Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you next topic from the chapter electricity, that is the heating effect of electric current. Means electrical energy is converted into heat energy, means heat is produced from the electricity. So हमारे पास यहाँ पे लेगा कि जो हमारे पास electrical energy है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास electrical energy है वो किसमें convert हो रही है, हमारी heat energy. Clear? So because we know that according to the law of conservation of energy, तो law of conservation of energy में क्या होता है, हमें पता है कि एक energy जो है वो दूसरी energy में convert हो सकती है, can change, but can neither be created nor be destroyed. Energy ना create होती है ना destroy होती है, एक form से दूसरे form में change होते हैं. तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो electrical energy है वो heat energy में change हो रही है. Clear? कैसे, how the heat is produced, how does the heat is produced from the electricity. So we know that जब हमारे पास करंट है वो एक रजिस्टर्स के अंदर जो कंडक्टर में फ्लो करता है सर्किट में, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. अब जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास फ्लो कर रहे हैं एक रजिस्टर्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं जो एटम्स है रजिस्टर्स के कंडक्टर के, ठीक है, और उसके एटम्स के साथ जब वो कोलाइड करते हैं तो वो अपनी लॉस एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं, और वही काइनेटिक एनर्जी इसके रजिस्टर्स के जो एटम है उसे टेकन अप करते हैं, लेते हैं, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से जो है वो ऐसे वाइब्रेशन, वी नो दैट मीन पोजीशन से अप एंड डाउन होना, तो वो अपनी मीन पोजीशन से जो है वो वाइब्रेट करते हैं, और उससे क्या होता है बहुत विग्रसली जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है उसका टेम्परेचर रजिस्टर का राइज हो जाता है और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. क्लियर? अब ये हमारे पास जो ये रजिस्टर है वो क्या है, रजिस्टर को हम कहते हैं कि ये एक हीटिंग एलिमेंट है जो हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं. मीन्स वो स्पेशली हमारे पास क्या होते हैं, अलॉय होते हैं. क्लियर? और उसमें हम मेनली जो है वो ज्यादातर एग्जाम्पल किसकी लेते हैं, हम उसमें एग्जाम्पल लेते हैं नाइक्रोम की, कि हमारे पास नाइक्रोम वायर है और वो जो है वो हमारा एक हीटिंग एलिमेंट काम करता है. क्यों करता है, क्योंकि इसके जो है वो अपने फीचर्स होते हैं नाइक्रोम वायर के, वो कैसे फीचर्स होने चाहिए जो हम एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं. तो मीन्स एक हीटिंग एलिमेंट्स के कैसे फीचर्स होने चाहिए जो हम यूज करेंगे अपने सर्किट्स के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने के लिए. तो मीन्स उसमें हमारे पास क्या है कि उसका जो शुड हैव, सबसे पहले तो उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी. तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए. क्लियर? सेकंड, उसका क्या होना चाहिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हीटिंग एलिमेंट का कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए. क्लियर? और वो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न ना हो, शुड नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज. ठीक है, जब बर्न ऑक्सीडाइजिंग भी वही होता है कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन चीज बर्न होती है तो ऑक्सीडाइज होती है, तो शुड नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वो जो हीटिंग एलिमेंट्स है उसके जो फीचर्स होने चाहिए जो एज ए लॉय हम यूज करते हैं. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया जहाँ पे नाइक्रोम की, नाइक्रोम वायर, और उस हीटिंग एलिमेंट्स के फीचर्स क्या हैं, शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी, शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, शुड नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, और उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है, मींस हमें पता है कि जब कोई सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं हीटिंग पे. ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन शुड नॉट बी टू हाई, तो उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो ये हमारे पास फीचर्स हो गए जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट्स है वो कैसा होना चाहिए. अब हीटिंग एलिमेंट्स है क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जो फ्लो करते हैं और वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं एटम्स के साथ और वो वाइब्रेट करते हैं और उससे जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है और हीट प्रोड्यूस होती है, और उसके फीचर्स. क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे रहते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, और आपको मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया और उसके फीचर्स लिख दिए. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ द हीट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है. अब हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला कि हम यहाँ पे जो है वो कैसे फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं अगर हमें हीट एनर्जी जो है वो करनी है एज ए न्यूमेरिकल के लिए हम यूज करेंगे. तो फॉर्मूला के लिए जो हम ड्राइव करते हैं जहाँ पे वो हमारी ड्राइव के लिए डेरिवेशन जो हम करते हैं, तो उससे हमारी स्टार्टिंग होती है कि हम वी नो दैट कि हमारे पास जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमें वी नो दैट क्या होता है, हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लियर। तो हमारे पास जो वी है वो हमारे पास है डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्लियर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं, मीन्स जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है मीन्स वर्क डन है। तो हम इसे जो है वो डिफरेंट नाम से जो है वो नाम देते हैं इनको, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, या हीट एनर्जी हो गया, क्लियर। तो उनके सेम ही हम फॉर्मूला जो जहाँ पे यूज करते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे पास, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो मीन्स अगर हम इस फॉर्मूला को क्रॉस करें तो हमारे पास जहाँ पे फॉर्मेशन होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, क्लियर। अब हमारे पास जो वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मींस प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्जेस इज नोन एज द वर्क डन। अब इस वर्क डन को हम जो है वो डिफरेंट फॉर्मूला से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब वर्क डन क्या है, एनर्जी है, एनर्जी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो एनर्जी जो है वो हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस में किया था कि ये जूल में हम इसका एस आई यूनिट क्या रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एस आई यूनिट हमारे पास क्या होगा, दैट इज द जूल, ठीक है, हम इसको जूल में मेजर करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है वो आगे और डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल्स में क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम पुट करें तो अकॉर्डिंग टू द करंट फार्मूला वी नो दैट कि जो हमारे पास करंट होता है वो चार्जेस का फ्लो अपॉन टाइम होता है। तो अगर जहां से हम चार्जेस का फॉर्मेशन करें तो चार्जेस इज इक्वल टू आई इंटू टी, सो वी कैन पुट दिस वैल्यू, हम ये क्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, वी इंटू आई इंटू टी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला फॉर्म हो गया, ठीक है, सेकेंड वन। अब हम क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई थी, हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड देन हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी और हमारे पास फॉर्मूला आया था वी इज इक्वल टू आर आई, और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्लियर। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ टू वैल्यूज फॉर्म होती हैं, एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की आर इन टू आई, एंड सेकेंड वन इज करंट की, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सो वन बाय वन वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर हम वी की वैल्यू पुट करते हैं तो वी की वैल्यू क्या है, आर इन टू आई, तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आर इन टू आई इन टू आई इन टू टी, तो इट वुड बी I square R T, clear? अब next, अगर हम पुट करते हैं V I is equal to V upon R, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा, जहां पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे V into V upon R into T, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज W is equal to V square upon R into T, clear? अब ये फोर फॉर्मूलाज हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल कंडीशंस कि हमें क्या गिवन है, अगर हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, हमें इनकी नीड नहीं, हम सीधा W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज यूज करेंगे, या फिर हमें चार्ज गिवन नहीं है, करंट और टाइम गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे, क्लियर। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस आ गई वहां पे, तब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम है, तो दिस फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है तो दिस फॉर्मूला यूज होगा। अब हम W जो हमारे पास है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इस W को हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्क डन में भी, हीट एनर्जी में भी, और एनर्जी में भी, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस
कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू टी, मींस जो हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल करंट से वो हमारे पास क्या होती है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या है इसका यूल, क्लियर, यूल में हम इसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हीट के लिए फैक्टर्स आ जाते हैं, क्लियर, कि अगर हम इसका कंक्लूजन देखें हीट का तो ये जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स पे हीट जो है वो डिपेंड करती है, तो यहाँ पे हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, ठीक है। तो हीट एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो आई आर की वैल्यू थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारी हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी है, क्लियर। तो हमारे पास अगर हीट करंट का स्क्वायर रूट मीन्स करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो अगर हम करंट को जो है वो विल बी इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तब भी हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर हम लॉन्गर टाइम के लिए करंट को पास करवाते हैं तब भी हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो मीन्स हमारा ये जो सम ऑफ इक्वेशन जहाँ पे बनती है कि मोर द हीट विल बी प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी इफ करंट इंक्रीज कर दें जो पास कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें और उसमें लंबे टाइम के लिए लॉन्गर टाइम के लिए करंट को पास करवाएं तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन द सर्किट। तो उसमें हमारे पास जो क्वाइल है नाइक्रोम की उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, क्लियर। तो इसको जो है वो ज़्यादा हीट जो प्रोड्यूस होती है इसके लिए हमें ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एप्लीकेशंस है कि हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं। तो बहुत सारे घर में बेटा आपके पास डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, कंडक्शंस हो गए, आयरन्स हो गई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और आपके पास गीजर हो गए और आपके पास जो है वो डिफरेंट एटसेट्रा, और दूसरा आपके पास जो है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं आपके वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, क्लियर, और आपके जो है वो फिलामेंट्स हो गए इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर जो लाइट करते हैं वो भी उसी हीट से ही जो है वो आगे तो ये हीटिंग एलिमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गए, इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स हो गए, तो ये हमारे पास किस पे काम करते हैं, दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक स्मॉल छोटा सा टॉपिक हमारा और जो इससे आता है वो आगे हमारा सम अप होता है आगे इसका इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। अब हम इसको जो है वो इलेक्ट्रिक पावर अगर हमने बताना है कितना यूज हुआ वहाँ पे हमारी जो एनर्जी जब काम कर रही है उसके लिए, तो आपको पता है जब भी हम पावर बताते हैं तो उस चीज को हम कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, पहले तो हम इसे डिनोट करेंगे सिंबल पी के साथ, और पावर को जब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कर देंगे, क्लियर, तो जहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मीन्स वही टाइम लगा दिया बेटा, रेट ऑफ डूइंग ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर, और जो इलेक्ट्रिक पावर को हम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक वर्क क्या हो रहा था हमारा डब्ल्यू और अपॉन हमारे पास टाइम हमने उसको रेट कर दिया, तो ये आपके पास फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा कि हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, अब टी आपके पास क्या था, डब्ल्यू, W आपके पास था आई स्क्वायर आर टी, तो जहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, क्लियर, तो जब हमारे पास आई स्क्वायर इंटू हमने यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे इक्वेशन में आई की V की, तो V की वैल्यू थी हमारे पास आई आर, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी फॉर्म हो गया था हमारे पास, और यहाँ पे जब हमारे पास T से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पावर की आई स्क्वायर आर, क्लियर। ऐसी अगर हम सेकंड फार्मूलाज में यूज करें तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या था फार्मूला, V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे
अपॉन टी कर देंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था हमारे पास दिस वन, कि हमारा जो W था वर्क डन उसके अपॉन अगर हम टाइम करें तो दैट इज W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा और पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। क्लियर? तो ये आपके पास जो है वो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द एनर्जी हीट एनर्जी वर्क डन एंड दिस इज द डिफरेंट फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट इज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी एंड डब्ल्यू इज V into I into T upon T, T T three cancel, P is equal to V into I. So means electric power जो है वो आपके पास product है potential difference और current का। Thank you. I hope you like my video. Please like, share and subscribe.